नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वरमय टाइम्स में। दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिवानी शुक्ला। सबसे पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। पतंजलि योग समिति ने घुमंतू बच्चों के साथ मनाया गुरु पूर्णिमा पर्व। मजदूरी न मिलने पर लगाई सरकार से गुहार। प्रिंसिपल ने छात्रा को किया आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित। अंबिकापुर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पतंजलि योग समिति व पतंजलि चिकित्सालय ने गुरु पूर्णिमा महोत्सव घुमंतू बच्चों के साथ मनाया। दरअसल दो वर्षों से लॉकडाउन के प्रतिबंध के चलते यह आयोजन नहीं हो पाया था। नई दिशा के बच्चों के साथ गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान छोटे बच्चों को मिठाई, स्वादिष्ट भोजन व प्रसाद अपने हाथों से समिति के सदस्यों ने खिलाया। साथ ही स्वामी रामदेव जी के किए गए कार्यों को याद किया गया व हवन कर समिति के सदस्यों ने अपने गुरु की पूजा आराधना की। समिति के सदस्यों ने बच्चों को आदर्श जीवन जीने का पाठ भी पढ़ाया। मैं अवंतिका गजोरिया। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर गुरु के रूप में हम उनका यहाँ के 100 बच्चों को भोजन प्रसाद करवाकर उन्हें योग और आयुर्वेद से संबंधित कुछ उनको टिप्स बताया गया, उनके दैनिक जीवन में कैसे उपयोग ला सके। मरवाही वनमंडल के सीवनी परिक्षेत्र में बीते माह फरवरी 2022 को ग्राम पंचायत मलाडांड में मरवाही वनमंडल के द्वारा आदिवासी मजदूरों से जंगल में गोबर खाद मिश्रण का काम कराया गया था, जिनका आज तक मजदूरी भुगतान नहीं हो पाया है। लिहाजा आदिवासी मजदूर अपने मजदूरी के गुहार लगाने के लिए दफ्तरों में चक्कर लगाने को मजबूर हैं, पर उन्हें हताश और मायूसी के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। बता दें, मजदूरी न मिलने के कारण मजदूर कर्ज लेकर जीविकापार्जन कर रहे हैं। वहीं मजदूरों की मजदूरी के बारे में सक्षम जिम्मेदार वन विभाग के अधिकारी से सवाल किए जाने पर शीघ्र मजदूरों की मजदूरी देने की बात कही। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मजदूरों के हितों के लिए अनेक प्रयास कर रहे हैं। अब देखना यह सुनिश्चित होगा कि मरवाही वन मंडल के सीवनी परिक्षेत्र में मजदूरों के भुगतान के सक्षम जिम्मेदार अधिकारी के द्वारा कब तक संज्ञान लिया जाएगा। भैया, हम लोग जंगल विभाग में काम किए थे, उसका पैसा अभी तक नहीं मिला है, जो कि हम फरवरी में किए थे, जो बोल रहे थे कि बहुत जल्द मिल जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं मिल पाया है। 5 महीने से उभर हो रहे हैं। कौन से जंगल में काम किए थे भैया आप लोग? हमारे गाँव के मालडांड में। सरिया क्षेत्र के ग्राम पुजारी पाली में 12वीं की कक्षा की छात्रा ने स्कूल के प्रिंसिपल के फेल कर देने की धमकी देने पर अग्नि स्नान कर लिया। मामले की जांच में प्रिंसिपल के दोषी पाए जाने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, मामला सरिया थाना क्षेत्र का है। दरअसल सरिया क्षेत्र के ग्राम पुजारी पाली के रहने वाली सुमित्रा चौहान 12वीं कक्षा की छात्रा थी, जिसने 18 जून 2021 को अपने ऊपर मिट्टी तेल डालकर आत्मदहन कर लिया। पुलिस ने मामले की जांच में पाया कि वर्ष 2021 में सुमित्रा ने परीक्षा के दौरान कोरोना काल में घर में ही उत्तर पुस्तिका लिखकर स्कूल में जमा किया था। वहीं बालिका ने भूलवश राजनीतिक विज्ञान के स्थान पर संस्कृत और संस्कृत के स्थान पर राजनीतिक विज्ञान के उत्तर लिखकर जमा कर दिया था, जिसे लेकर स्कूल के प्रिंसिपल शशि कुमार स्वर्णकार ने बालिका के घर आकर इस गलती के लिए धमकाया था और परीक्षा में फेल हो जाओगी कहकर आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया था। मामले की जांच के बाद सरिया पुलिस ने प्रिंसिपल शशि कुमार स्वर्णकार को धारा 306 के तहत जुर्म दर्ज कर गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। थाना सरिया में जांच पर लिया गया था, विभिन्न टीचर और उनके गवाहों का बयान लिया गया। जांच पर से पाया गया कि गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सरिया के प्रभारी प्राचार्य शशि कुमार स्वर्णकार दोषी पाए गए, जिनके खिलाफ में कल दिनांक को FIR अपराध क्रमांक 133/2022 धारा 306 IPC का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।